हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट असाइनमेंट लेकर आ रहे हैं, जो कि है बीएड का असाइनमेंट। और ये जो है आर्ट एग्जीबिशन है, इसमें जो है आपको कोई भी आर्ट और या फिर आप किसी ड्राइंग अगर आपको अच्छी आती है तो वो करके आप अपने जो है बीएड का जो है फाइल कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हमने डिटेल फाइल को नहीं बताया, अभी हम सिर्फ क्राफ्ट पे जो है फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये जब हमें आएंगे तो हमारी फाइल ईजी हो जाएगी बनने में। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं बुकमार्क। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से हम इसे बनाएंगे, इसका जो प्रोसेस है। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक स्क्वायर शीट चाहिए। इस स्क्वायर शीट को हमें फोल्ड करना है इस तरीके से, और इसका जो प्रॉपर प्रोसेस है वो आपको इससे आगे की मैंने करीबन 4-5 जो है बुकमार्क यहाँ पे बना करके दिखाए हैं कि कौन कौन से आप बुकमार्क बना सकते हो। तो काफ़ी क्यूट भी है और काफ़ी इजी भी है। तो ये सारा प्रोसेस जो बुकमार्क का जो है एक मेन प्रोसेस जो होता है बनाने का, ये वाला ये जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, ये लगभग सारे ही बुकमार्क में आपको फॉलो करने होते हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें डेकोरेट करना होता है अपने हिसाब से, मतलब आपको क्या चीज़ का बुकमार्क चाहिए। जैसे यहाँ पे जो हमने बनाया ये डॉग बुकमार्क है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ब्राउन कलर की शीट भी ली है और ब्लैक स्केच लिया है और एक पिंक कलर की जो है पेपर लिया है, जो कि इसकी टंग बनेंगे, जिसे हमने इसकी जीभ बनाई है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्राउन कलर का शीट है, इसे मैंने बुकमार्क की जितनी लेंथ है उसके हिसाब से कट किया है और उसे थोड़ा सा साइड से तिरछा कट किया है, ताकि जो डॉग का फेस का टाइप का इसमें लुक आए। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम इसके कान बना रहे हैं। तो कान के लिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे छोटा सा एक वो लिया है पोर्शन, इसे भी कुछ इसमें लंबाई में हमने इसे कट किया है। तो अब इन दोनों को इस वाइट वाले बुकमार्क पे डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ें कट कर लेते हैं जो जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो है टंग भी इसकी कट कर ली है और ये इसका माउथ है, इसे हम जो है ग्लू से सिक्योर कर देंगे यहाँ पर, इसके जो वाइट कलर का हमने बुकमार्क तैयार किया था वहाँ पर। अभी इसके जो है कान है डॉग के, तो इन्हें हम ऊपर की तरफ को इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके इन्हें भी सिक्योर कर देंगे। और अब हम इसकी आइज़ बनाएंगे और थोड़ा नीचे नीचे बनाएंगे, एकदम ऊपर बनाएंगे तो उतना ज़्यादा क्यूट नहीं लगेगा। आप थोड़ा नीचे इसके माउथ के थोड़ा नज़दीक बनाएंगे तो ये जो है डॉग का पपी टाइप का लगेगा, तो एक तब ये ज़्यादा क्यूट लगेगा। तो हमने अपने जो इस चैनल में बीएड के लगभग सारे असाइनमेंट हम कंप्लीट करने वाले हैं। ये अब लास्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट्स कुछ रह गए हैं, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के कुछ असाइनमेंट्स हमारे पास अभी कंप्लीट करने रह गए हैं, तो उन्हें भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दैट्स इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे टंग इसकी जो टंग है इसे भी मैंने थोड़ा डेकोरेट कर दिया और मैंने इसका प्रॉपर एक फेस बना दिया है इस तरीके से। तो अब देख सकते हैं मैंने कितने सारे क्यूट यहाँ पे जो है पेपर बुकमार्क बनाए हैं, डॉग बुकमार्क। एक मैंने ब्लैक पेपर से भी बनाया है, आप इसे और भी कलर से डेकोरेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो यहाँ पे अब हम बना रहे हैं पेपर बग। आप यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी क्यूट लगता है, चाहे ये असली वाले भी हों या फिर ये बुकमार्क टाइप में भी हो, तो ये काफ़ी क्यूट लग रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रेड कलर का पेपर लिया है, क्राफ्ट पेपर। ये आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा, 1 रुपये का 2 शीट मिलती हैं। और इसे हम सबसे पहले यहाँ से कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इतना बड़ा बुकमार्क नहीं बनाना है। तो आपको हाफ शीट लेनी है जो है, हाफ शीट में एक प्रॉपर एक मीडियम साइज़ का बन जाता है ठीक ठाक। इसे हम इस तरीके से थोड़ा स्क्वायर शेप में कट करेंगे। आप जब भी किसी पेपर को इस तरह से उसकी लेंथ के हिसाब से रखते हो और लेंथ ऑफ ब्रेथ के हिसाब से, तो वो हमें स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे, तो ये हमारे पास स्क्वायर साइज़ का हमें हर पास पेपर हमें मिल जाएगा। तो ये हो चुका। अब इसका प्रोसेस आप देखिए, जो इसका साइड का है इसे हम टॉप में मिला देंगे इस तरीके से, और जिसके नेक्स्ट साइड का है इसे भी हम इस तरीके से टॉप में मिलाएंगे। तो हमने दोनों के दोनों जो अपोजिट साइड्स थी उन्हें हमने मिडिल, यानी कि जो हमारी कॉमन साइड होती है, कॉमन जो हमारा वो होता है टॉप, उस पर हमने उस मिला दिया। और फिर जो इसके टॉप था जो हमने कॉमन लिया था उसको अंदर की तरफ मिला के इन दोनों को
भी इसके अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। तो यही होता है बुकमार्क का प्रॉपर एक प्रोसेस। तो सारे के सारे बुकमार्क, आप जितने भी बुकमार्क यूज़ करो, मैंने इससे पहले भी बोला कि वो सारे के सारे में हमें यही प्रोसेस पहले फॉलो करना होता है डेकोरेशन, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहें तो उसमें कुछ भी बनाओ, मतलब पेपर बग बनाओ, या फिर आप कोई कहीं का फ्लैग बनाओ, या फिर आप कोई एंग्री बर्ड का जो भी फेस बनाओ, कोई प्रॉपर आपको इंसान का फेस चाहिए वो भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने मिडिल पॉइंट देख रहे हैं सबसे पहले कि कहाँ पर मिडिल आएगा, क्योंकि हमने हार्ट शेप में कट किया है तो हमें ज़रूरी है कि हमें मिडिल पार्ट हमें देखना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे जो है डेकोरेट कर रहे हैं इसे, मतलब हम इस पर लाइन खींच रहे हैं प्रॉपर कि कहाँ पर जो है हमें मिडिल पार्ट मिलेगा ताकि ये हार्ट शेप में आ जाए। तो अब हमने इसे कट कर लिया, आप देख सकते हैं ये थोड़ा एक आउटलाइन इसकी बन चुकी है। अब जो हमारे पास काम है वो सिंपल इसे डेकोरेट करने का है। तो डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले आप हमारे जो दो बुकमार्क हैं उन्हें देख सकते हो कि इसमें वाइट पेपर में एक और हमें हार्ट शेप कट करनी है, तो उन्हें हम कट कर लेंगे। और बाकी उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ जो है डेकोरेट किया है पेंसिल ब्लैक और रेड पेन से। तो वैसे उसी तरीके से हम इस पर भी डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक हार्ट शेप में जो हमने लिया है वाइट कलर का पेपर, इसे हम इस पर ग्लू कर देंगे, सिक्योर कर देंगे। ये इतनी लेंथ का होना चाहिए जितनी लेंथ का आपका पेपर बग आप बना रहे हो, तो उसका पूरा आगे का एरिया जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए इस वाइट वाले से। तो यहाँ पे हमने ये बना दिया है, अब हम क्या करेंगे इसे पेपर से डेकोरेट करेंगे इसे पेन से। तो आपको यहाँ पे हार्ट कलर के आप कुछ भी लगा सकते हो, आप चाहे तो राउंड में सर्कल भी बना सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आइज़ बना रही हूँ इसके, और इसका फेस मुँह बना दूँगी इस तरीके से, और इसके ऊपर फिर इसके थोड़ा ये यहाँ पर हम इसे ये बना देंगे। बिल्कुल आपको एक पेपर बग की शेप में देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हार्ट शेप में बनाए बहुत सारे इसमें वो रखे हैं फॉर डेकोरेशन पर्पस। और सबसे पहले आउटिंग भी कर देंगे यहाँ पे, आउटिंग भी ज़रूरी है ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। तो ये हमारी आउटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पर हार्ट शेप और मैं भी हमने हार्ट शेप, आप चाहे तो इसमें प्रॉपर एक राउंड भी मार सकते हैं, गोले गोले से भी आप बना सकते हैं ब्लैक और रेड के, वो भी काफ़ी अच्छा क्यूट लगेगा इस तरीके से। और फिर हमने इसे थोड़ा कलर हम इसमें फिल कर देंगे ताकि ये और भी ज़्यादा क्यूट लगे। यहाँ पे हमने तीन बुकमार्क जो है अपने कंप्लीट किए हैं, और एक बुकमार्क मैंने अपनी जो है डायरी में लगाया हुआ भी है इस तरीके से, आप चाहें तो इस तरीके से इन्हें लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी क्यूट लगते हैं गाइज, इन्हें भी आप जो आर्ट एग्जीबिशन है उसमें आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट जो हम बना रहे हैं वो हैरी पॉटर बुकमार्क बना रहे हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अपने टाइम पे बहुत चला था, ये भी आप बना सकते हैं हैरी पॉटर बुकमार्क। यहाँ पे जो ये प्रॉपर वीडियो है हमारी सिर्फ और सिर्फ बुकमार्क के ऊपर है, क्योंकि बुकमार्क जो है काफ़ी ईजी होते हैं बनाने के लिए, तो इसलिए हमने ये चीज़ बुकमार्क की सबसे पहले हमने वीडियो बनाई है। इसके बाद भी और वीडियो आएंगी उन लोगों के लिए जो उनका थोड़ा क्राफ्ट ठीक है तो वो बना सकते हैं उन चीज़ों को। इससे पहले हमने दो तीन जो है फ्लावर पेपर फ्लावर की वीडियोस निकाली हैं, वो भी इजी काफ़ी इजी फ्लावर्स हुए हैं। तो बुकमार्क का प्रोसेस आप देख रहे होंगे, हमने दो स्ट्रिप लेनी है इस तरह से पेपर की स्ट्रिप, और उन्हें इस तरह से ग्लू करते हुए अपनी जो दूसरे साइड की है इसकी जो दूसरे साइड की लाइन है उसके बिल्कुल एकदम पैरेलल इन्हें जो है सिक्योर करते जाना है। अगर ये पैरेलल नहीं होंगे तो ये आगे जा करके बहुत ख़राब लगेगा, क्योंकि वो साफ तिरछा हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है इसमें ध्यान रखने की ये जो है पैरेलल हो अपने जो है अपोजिट साइड की लाइन के। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसे हमने यहाँ लाए तो ये पैरेलल कर रहे हैं हमसे। अब हम फिर डॉट लगा रहे हैं यहाँ पे ग्लू। अब इस लाइन को हम उस साइड से पैरेलल करेंगे बिल्कुल, ताकि ये बिल्कुल एकदम बैठ जाए उन्हीं के साथ, उनको ओवरलैप भी ना करें और उनके नीचे भी ना जाए। तो इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास एक हैरी पॉटर बुकमार्क जो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे आप कलर डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास यही कलर था, एक येलो कलर का पेपर और एक ब्लैक कलर का पेपर था, तो मैं इसी से यूज़ कर रही हूँ। और ये आपको 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के आप ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर तो ज़्यादा ही जाएगा, पर 1 या 1.5 सेंटीमीटर का आप इसे पेपर के जो स्ट्रिप है इन्हें ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना है। तो जैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में भी आपको बताया कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें गाइस, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो जो है हैरी पॉटर बुकमार्क यहाँ पे बनाए हैं, आप इन्हें इस तरीके से अपने नोटबुक में रख सकते हैं।
ये भी काफ़ी ईजी है और काफ़ी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो भी एक और बुकमार्क है, तो वो यहाँ पे है। मैंने एक वाइट कलर का पेपर लिया है, पेपर शीट, ए फोर शीट। अब इसे आप हाफ में ही जो है हम इसे कट करेंगे, क्योंकि ये हाफ में ही ठीक रहता है, मीडियम साइज़ का बन जाता है हमारा एक बुकमार्क। तो यहाँ पे जो हम बना रहे हैं वो हम इंडियन फ्लैग बना रहे हैं, इंडियन फ्लैग बुकमार्क। आप इससे भी बना सकते हो, ये भी काफ़ी क्यूट लगता है। और इस तरीके से हम सबसे पहले इसे कट कर लेंगे, ताकि हमारे पास एक स्क्वायर साइज़ का, इसके लिए स्क्वायर साइज़ का पेपर होना बहुत ज़रूरी है। फिर से हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने सारे ही बुकमार्क में हम फॉलो करते हैं। ये एक दूसरे में बिल्कुल फिट बैठने चाहिए, तभी हमारा बुकमार्क जो है सही बैठेगा। अब हम इसके अंदर वाला जो एक पेपर है उसे हम बाहर की साइड को फोल्ड करेंगे और इन दोनों को उसके अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे, और हमारा बुकमार्क जो है एक बेस बुकमार्क हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा डेकोरेशन का काम रहता है। इसे आप अंदर से ग्लू करके सिक्योर भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे ग्लू का यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से सबसे पहले हम ग्लू का यूज़ करेंगे और इसे हम अंदर को, ये मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसमें प्रोसेस मतलब मैंने सेम ही किया था, फिर मैंने ग्लू के बाद इसे थोड़ा अंदर की तरफ को इस तरह से मोड़ दिया है। अब इस वाले को जो इसका नेक्स्ट जो है पेपर था, इसे अब हम अब मोड़ूंगी मैं इसे बाहर की तरफ, ताकि जो इसकी एक लाइन यहाँ बीच में से आ रही थी ये ना आए, ये हट जाए इसमें। तो ये भी एक तरह से आप ये वाला प्रोसेस भी आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको बैक साइड में भी जो है बिल्कुल एकदम प्रॉपर वर्क चाहिए तो। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो है इंडियन फ्लैग का बुकमार्क हम बना रहे, तो ग्रीन कलर की हमें ज़रूरत है, ग्रीन कलर जो है नीचे होता है, तो इसलिए हमने साइज़ ले लिया कि हमें कितने साइज़ का ग्रीन कलर का पेपर हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे अब हम इसे थोड़ा कर्व देते हुए, सबसे पहले हम इसे कट करेंगे और यहाँ पे कर्व देते हुए हम वो ले लेंगे जो है ग्रीन कलर का पेपर को हम इसमें डेकोरेट करेंगे। अब हम ऑरेंज जो है पेपर को देख रहे हैं कि कितने साइज़ में हम ऑरेंज को रखेंगे। अब हम इसे कट कर लेते हैं, कर्व देते हुए करना। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी लाइन खींच करके भी कर सकते हो, प्रॉपर इतने पार्ट को तीन हिस्सों में डिवाइड करके भी आप कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे कर्व दे करके किया है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हम लगा देंगे अपना ऑरेंज साइज़ का, ऑरेंज कलर का पेपर। इसके बीच में वाइट तो होता ही है, तो वाइट को हम रहने देंगे। अब हम जो है ग्रीन कलर के पेपर का हम यूज़ करेंगे, तो ग्रीन के पेपर को भी हम इस तरह से कर्व देंगे और इसे कट कर देंगे और इसे हम यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये हमारा जो है इंडियन बुकमार्क रेडी होने वाला है। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे चक्र बनाएंगे, पेन का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चक्र हम पेपर से बनाने में थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए हम पेपर का पेन का ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी जो है लाइन्स हम खींच देंगे इस तरीके से। तो हमारा ये बुकमार्क जो है रेडी है। इसे मैं थोड़ा ऊपर से टॉप से काट देती हूँ, ताकि जब यहाँ पर से पेपर थोड़ा बाहर को आता है ना, जो हम अपनी फाइल किसी भी नोटबुक में डालते हैं, तो वहाँ पर से ये पेपर थोड़ा बाहर आ जाता है, तो उस वजह से वो ज़्यादा देर तक रहता है, ऐसे ही निकलता नहीं है आसानी से। तो इसे हमने थोड़ा साइड से इसके कॉर्नर को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये मेरी नोटबुक में मैं इसे लगा रही हूँ इस तरीके से। तो ये काफ़ी क्यूट लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक एक बुकमार्क है। नेक्स्ट जो है वो हमारा पेंसिल बुकमार्क है। तो इसके लिए हमने पेपर का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे हमने एक स्टिक ली है, आप देख सकते हैं आइसक्रीम स्टिक है, ये भी मार्केट में मिल जाती है काफ़ी इजीली आप लेंगे। तो इसे हम पेंसिल की लुक में कट करेंगे सबसे पहले इस तरीके से। तो ये हो चुका है हमारा पेंसिल की लुक में, हमने इसे कट कर लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डेकोरेशन का काम है। आपके पास जो भी पेंसिल है, अप्सरा है और कौन कौन सी आती है, जो भी आपके नटराज की पेंसिल्स, जो भी आपके पेंसिल्स हैं उनके हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। आपको सिंपली ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे लाइन खींची है और फिर मैं इस पर कलर को फिल कर दूंगी, मुझे जो भी कलर पसंद है वो वाले। इस तरीके से नहीं, और मैं इसके दूसरे साइड भी इसी तरह से इसे फॉलो करूँगी। आप चाहे तो एक ही साइड भी रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे दोनों ही साइड इसे कलर किया है। अब यहाँ पे मैंने रेड कलर का यूज़ करके इसे पेंसिल की रूप दिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल एक प्रॉपर पेंसिल लग रहा है, और प्रॉपर पेंसिल ये लग रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये एक पेंसिल बुकमार्क हमने बना लिया। इसके बाद हम पेपर से भी बनाएंगे, पेपर, हाउ टू मेक अ पेपर बुकमार्क, ठीक है, पेंसिल बुकमार्क यानी पेंसिल ही होगा वो,
पेंसिल बुक मार होगा बट विद द हेल्प ऑफ पेपर हम उसे बनाएंगे। तो ये देखिए नटराज पेंसिल लग रही है और यहाँ से कोई और पेंसिल ली, यहाँ पे मैंने अपने कलर्स के बना लिया अपने कलर के हिसाब से। नेक्स्ट के वीडियो में हम बनी बुक मार्क बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक ब्राउन कलर का पेपर लिया है और एक एक्स्ट्रा पेपर, वो आप कोई भी ले सकते हो आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पेपर है। तो बनी बुक मार्क का प्रोसेस हमें बिल्कुल अलग ढंग से फॉलो करना है। यहाँ पे हमने कंप्लीट उसे ऊपर की तरफ को फोल्ड नहीं किया है, आप देख सकते हैं हमने थोड़ा गैप रखा है बिल्कुल मिडिल बीच वाले पोर्शन में से। अब हमें इसे ईयर बनाना है बिल्कुल एकदम फोल्डिंग प्रोसेस से। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेकोरेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोसेस कर हमारा है फोल्डिंग वाला प्रोसेस है, ओरिगामी बुक मार्क आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पे अब हमने इसके ईयर बना दिए हैं इस तरीके से, काफ़ी ईजी है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे हमने जितने भी बुक मार्क लिए हैं सारे के सारे ईजी बुक मार्क हैं। तो इस तरीके से ये हमारा बुक मार्क जो है आगे से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसे जो है क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका फेस यहाँ पर बनाना है। तो ये हो चुका है कंप्लीट। अब इसके फेस के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका ये नीचे वाला जो पेपर था इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके और एक और बार इसे फोल्ड कर देंगे, तो इसका फेस हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसे डेकोरेट करना है और इसके सर पे जो हमने एक ब्लू कलर का जो हमने पेपर यहाँ पे लिया है ब्लू कलर का, आप चाहे तो इसे कोई से भी कलर का ले सकते हो, तो इससे हम उसकी कैप बनाएंगे। अभी सबसे पहले हम डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जो है ले रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पेन से हमने इसकी आइज़ और माउथ हमने बना लिया है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है हम कैप हम इसकी बनाएंगे ताकि और भी ज़्यादा क्यूट लगे। तो यहाँ पे हमने एक जो है रेक्टेंगल साइज़ का पेपर लिया है और इसे हम सिंपली फोल्ड कर रहे हैं। आप फोल्डिंग का प्रोसेस आप देख सकते हैं वीडियो में किस हिसाब से हमने फ़ोल्ड किया है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, और सिंपली इसे ऊपर की तरफ को हम फोल्ड कर देंगे और इसके पीछे वाले को भी हम ऊपर की तरफ को फोल्ड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये एक बहुत ही ईजी हमने यहाँ पर एक टोपी बना ली है। आप चाहे तो इन्हें साइड से सिक्योर भी कर सकते हो ग्लू की हेल्प से। तो इस तरीके से ये इस पर सिक्योर कर देंगे हम, आप चाहे तो ग्लू की हेल्प से भी सिक्योर कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं और ये खड़ा भी हो जाता है सिंपली, क्योंकि इसमें फोल्डिंग प्रोसेस है। तो अगर ये वीडियोज़ आपको हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के। तो अब हम बना रहे हैं अपना आर्टिफिशियल पेंसिल बुक मार्क, ये विद द हेल्प ऑफ पेपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक मार्क, इसके लिए हम एक रेक्टेंगल साइज़ का हमें पेपर चाहिए इस तरह से लंबा, और फिर हम इसका जो है मिडिल पार्ट हम ढूंढेंगे और फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग का प्रोसेस आप देख सकते हैं वीडियो में, जिस हिसाब से फोल्ड किया जा रहा है उसी हिसाब से आपको फोल्ड करना है। अब सर एक और बार फोल्ड किया हमने तो एक बहुत ही लंबा इसमें लेंथ का एक एंगल बन गया इस तरीके से। अब हमें सिंपली से फोल्ड करना है साइड से, तो आप देख सकते हैं इस पर बिल्कुल पेंसिल का लुक आ गया एकदम, जिस तरीके से पेंसिल हमारी होती है उस तरीके से। तो इसके आगे से हम इसकी निब के लिए हम यहाँ पे एक पेपर यूज कर रहे हैं निब के ऊपर वाले हिस्से के लिए, जहाँ पे हमें जो है वो दिखती है ना लकड़ी, तो वो है ये। और हमने इसे फोल्ड करा है, जो इसका पीछे वाला पोर्शन था उसे हमने आगे की ओर फोल्ड करके इस तरह से हमने इसे सिक्योर कर दिया। अब हम यहाँ पे ग्लू से इसे और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। नाउ अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इससे पहले वाली जो मैंने पेंसिल बनाई वो भी इस तरीके से, आप जितना लंबा पेपर लेंगे उतनी लंबी पेंसिल बनेगी। तो ये बुक मार्क है तो इसलिए हमने छोटे छोटे ही यूज़ किए हैं, लंबे भी बना सकते हैं आप इससे, आपको उसके लिए जो है लंबे साइज़ का पेपर लेना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप पेंसिल बुक कितने क्यूट लग रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, बढ़ते अपने नेक्स्ट वीडियो के, तो ये है DIY जूनेट बुक मार्क। आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है, देखने से ही क्यूट लग रहा है। तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए वाइट कलर का पेपर और बाकी हमारे पास कलर्स हैं। आप जो इतना मैंने वाइट कलर जो येलो कलर का पोर्शन था उस पर आप पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे कलर ही यूज़ किए हैं। तो इसके लिए प्रोसेस यहाँ पे हमने थोड़ा चेंज कर दिया है बुक मार्क बनाने वाला प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा ऊपर से उसे कट करेंगे क्योंकि डोनट बुक मार्क है। अब इनसे सिक्योर कर देंगे। जितने भी बुक मार्क की प्रोसेस है वो हमने अच्छी तरीके से अपने वीडियोस में दिखा रखे हैं, आप प्रॉपरली उन्हें ठीक तरीके से देखिएगा।
और इसे हम ऊपर की तरफ नीचे की तरफ से इसे से कट कर लेंगे हाफ सर्किल में, और ऊपर से भी हम इस तरीके से इसे कट कर लें। अब क्योंकि हमने पेपर सिक्योर पहले कर दिया तो ये निकलेगा नहीं, अब ये काफ़ी अच्छे तरीके से सिक्योर हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब जो हमारा काम है वो डेकोरेशन का है। यहाँ पे हम येलो कलर से हम इसे फिल कर देंगे, और अब इसके आईज हमने बना देंगे यहाँ पर, और आप देख सकते हैं अभी से कितना क्यूट बुकमार्क लग रहा है, एकदम डोनट बुकमार्क। और इस पर हम थोड़ा सा और कलर को फिल करके इसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाएंगे। तो ये भी काफ़ी इजी बुकमार्क है, आप देख सकते हैं कितनी जल्दी तैयार हो जाते हैं बुकमार्क, बहुत ही इजी। अगर आपको थोड़ा सा आप जो है कोशिश करोगे तो ये काफ़ी जल्दी इजीली जो है तैयार हो जाएंगे। अब हम इसे थोड़ा आउटिंग कर देते हैं, कलर आप यूज़ कर सकते हो थोड़ा और। तो ये बुकमार्क भी कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही आसान देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है। इसे मैं अपने नोटबुक में इस तरीके से लगाऊंगी, अब देखिए कितना क्यूट लग रहा है, कितना सुंदर डोनट लग रहा है, बिल्कुल एकदम बुकमार्क बहुत प्यारा है। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना है। और नेक्स्ट जो हमारे पास हम यहाँ पे ले रहे हैं, अब हम बना रहे हैं यूट्यूब बुकमार्क, यूट्यूब का बुकमार्क हम यहाँ पे बना रहे हैं, और इसके साथ ही हम एक और बुकमार्क बना देंगे कोई भी जो है फेस का, कि उसे भी आप किस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं रेड कलर का, क्योंकि यूट्यूब का जो बुकमार्क होता है उसमें बेस हमारा रेड कलर होता है, और फिर एक वाइट कलर के पेपर से जो है ट्रायंगल उसमें गिवन होता है। तो यहाँ पे बुकमार्क का प्रोसेस वही सेम रहेगा, और इस तरीके से ये काफ़ी स्मॉल बुकमार्क है क्योंकि पेपर छोटा लिया था मैंने। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पर जो है इसके मिडिल जो थोड़ा इसके साइड से इसके कॉर्नर को कट कर देंगे, क्योंकि जो यूट्यूब का बुकमार्क का कॉर्नर होता है वो एकदम स्क्वायर साइज का जो है रेक्टेंगल शेप में नहीं होता, उस कॉर्नर से थोड़ा कटिंग किया हुआ रहता है, जिस तरह से हमारा पेपर अब तैयार हो चुका है। तो अब हम वाइट साइज का एक पेपर लेंगे और इस पर से ट्रायंगल हम कट कर लेंगे इस तरीके से, और इसे हम इस पर ग्लू कर देंगे। तो ये काफ़ी इजी, ये सबसे ज़्यादा इजी बुकमार्क मुझे लगा, एक सबसे ज़्यादा इजी बुकमार्क है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना आपको डेकोरेट करना है, सिर्फ एक वाइट कलर का पेपर आपको ट्रायंगल में कट करना है, उसे आपको सिक्योर कर देना, और ये हमारा एक बुकमार्क जो है तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी में, तो ये हमारा बुकमार्क तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसी में हम एक और बुकमार्क बनाएंगे, ये हमारा सेकंड क्राफ्ट इसी में आ गया। इसमें भी हमने रेड साइज का पेपर लिया है, और स्मॉल ही है क्योंकि मेरे पास अब पेपर जो है फिनिश होने वाला है रेड का। तो ये देख सकते हैं आप, मिडिल पार्ट की ओर इसमें भी ये काफ़ी स्मॉल बुकमार्क है। अब जो इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और इन दोनों को इसके अंदर साइड को हमें डाउनवर्ड फोल्ड कर डाल देना है, इस तरीके से बुकमार्क रेडी हो गया है, फोल्ड कर दे रहा है। तो ये आपका एक बुकमार्क। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका फेस बनाने के लिए, इसका जो है माउथ बनाने के लिए, ताकि हमें ऐसा लगे कि इसने बहुत बड़ा सा मुंह खुला हुआ है, इस तरीके से हम इस यहाँ पे एक वाइट कलर के पेपर को हम सिक्योर कर देंगे। और इसे मैं यहाँ पे ग्लू जरा ध्यान से लगाएगा, ताकि अंदर का जो पोर्शन है वो ना चिपक जाए, देख सकते हैं पहले वीडियो में हमने इसका, क्योंकि फिर वो चिपक जाएगा तो हमारा बुकमार्क जो है पेपर के अंदर नहीं जाएगा। यूट्यूब का बुकमार्क इस तरीके से हमने इसका मुझे फेस बना दिया है, इसका यूज कर रहे हैं। अब हम इसके आईज बनाएंगे व्हाइट कलर के पेपर में, यहाँ पे यूज कर रही हूँ व्हाइट कलर के पेपर से, मैं उसके टू आईज बनाऊंगी, थोड़ा बड़ी आईज बनाई है। ये भी बेसिकली एक कार्टून बुकमार्क है, तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और अब हम इसके दांत बनाएंगे, तो दांत के लिए हमें काफ़ी शार्प और लॉन्ग टीथ चाहिए, तो यहाँ पे मैंने दो ले लिया, और इसके अंदर की साइड से हम इसे लगाएंगे, साइड से इस साइड से लगा देंगे इस तरीके से। अब जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें डेकोरेशन करना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं ब्लैक कलर की स्केच, जिससे हम आईज को जो है कंप्लीट करेंगे हमने व्हाइट कलर तरीके से, ये सेमी सर्कल पोर्शन बनाया है, इसे भी आप कलर कर सकते हो। आउटिंग कर देंगे आईज की फेस पर इस तरीके से, हम मुंह पर पूरे फेस पर इसको लगा देंगे ब्लैक कलर के गोले गोले से, आप चाहे तो यहाँ पे कोई और कलर भी यूज कर सकते हो। तो ये हो चुके हैं, थोड़ा इसके सर की तरफ को एक पंख सा लगाने के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर का पेपर ले रही हूँ, और उसे थोड़ा इस तरीके से बारीक बारीक डिजाइन काट दूंगी, और इसे मैं इसके सर की तरफ पे सिक्योर कर दूंगी। तो ये भी मेरा नेक्स्ट बुकमार्क जो है रेडी हो गया। तो दोस्तों वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब